पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना के चलते लंबे समय के बाद आज लायनेस क्लब मुरादाबाद नवीन की इंस्टॉलेशन मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि डीसीपी शशि शाह के सानिध्य में पुरानी अध्यक्षा रूबी बेदी ने नई अध्यक्षा उमा यादव की ताजपोशी की और अपना कार्यभार नई टीम को सौंपा। कार्यक्रम का उद्घाटन पीडीसी सुमन कौशिक ने किया। अधिष्ठापन पीडीसी स्नेहलता गुप्ता ने कराया और सभी को उनके पद से अवगत कराया गया। पीडीसीपी शिखा ने नए मेंबरों को शपथ दिलाई और क्लब के नियमों को समझाया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मंजुल शर्मा रही, गणेश वंदना राशि सिंह ने प्रस्तुत की, बच्चों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। क्लब की सचिव मोनिका गुप्ता ने 6 महीनों में किए गए सेवा कार्यों से सभी को अवगत कराया। नवनियुक्त अध्यक्ष उमा यादव ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगी और लायनवाद के मूल सिद्धांत के अनुसार सेवा कार्य को बढ़ चढ़ कर करने का संकल्प लिया। साथ ही एक बालिका शिक्षा की जिम्मेदारी ली और उसे आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पीडीसीपी सुरेश आर्य, वीना अरोड़ा, शिखा गुप्ता, स्नेहलता गुप्ता, मंजुल शर्मा, आभा गुप्ता, मधु बंसल, उर्मिल नरूला सभी मंचासीन मौजूद रहीं। अध्यक्षा उमा यादव, सचिव मोनिका गुप्ता, कोषाध्यक्ष अंजलि गौड़, शैल अग्रवाल, ममता, आरती, मोनिका बंसल, शीतल अग्रवाल सभी सदस्य मौजूद रहीं। मेरी तैयारी है कि पिछले लास्ट 6 मंथ से चल रहा है प्रोग्राम और किसी कारणवश हमारी ये सभा नहीं हो पाई, अधिष्ठापन नहीं हो पाया। ये कार्यभार आज संभाला गया है, दिया गया है मुझे, लेकिन मैं इसका निर्वाह बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ करूँगी। मेरी टीम यहाँ पर जो मेरी प्रेसिडेंट है रूबी बेदी, इन्होंने मुझे अपना कार्यभार सौंपा है और मैं इसको बहुत अच्छे से निभाऊंगी। क्या उम्मीदें रहेंगी जो आपकी नई टीम है वो आपके साथ में किस तरह से कार्य करेगी? मेरी टीम बहुत अच्छी है, पिछले महीने से वो मेरा साथ दे रही है पूरा तन मन धन से और यहाँ बैठी पूरी लायनेस मेरे नवीन परिवार है एक और ये सभी बहनें मेरा साथ देती हैं। मैं इनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ और मंडल में मेरे क्लब का नाम कई बार नंबर 1 पर आया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।